आजमगढ़ के मुबारकपुर में दिवाली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि इस पावन पर्व पर सभी मंदिरों पर स्वदेशी झालरों व मिट्टी से निर्मित दीयों को प्रज्वलित किया गया था। इसी क्रम में मुबारकपुर के मोहल्ला समौधी स्थित शिव मंदिर का पूरा प्रांगण दीपों से जगमगाता रहा और सभी लोग आस्था के साथ मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करते रहे और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। शिव मंदिर के अध्यक्ष बलराम प्रजापति ने बताया कि मंदिर में 2100 मिट्टी के दीयों को प्रज्वलित किया गया था। क्या नाम है आपका? बलीराम। मंदिर में आप किस पद पर हैं? इस पद पर हैं, इस समय हम तो अभी अध्यक्ष पद पर हैं। अभी 6 महीने से कारबार संभाले, अगली साल भी दीपक जलाए और इस बार भी जलाए। हमको बहुत खुशियाँ मिलता है और बार बार सोचता हूँ और यहाँ के जनता लोग से कहता हूँ हमारा सहयोग करिए कि बार बार दीपावली पर खुशियाँ इसी तरह रहे। क्या अगली बार भी इससे ज़्यादा दीपक जलाएं? हाँ, इसके बाद भी है। कितने दीपक जलाए हैं? अगली बार 2100 जलाएंगे। इस बार 2131 कर देंगे। सर, मेरा नाम राजेश कुमार प्रजापति है। ये मंदिर का क्या नाम है यहाँ पे? इस मंदिर का नाम समौधी शिव मंदिर है। यहाँ पे आज दीप कितने जलाए गए? यहाँ पे 2100 दीपों को प्रज्वलित किया गया है। 2100। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज ये 2100 दीप जो है इस समौधी शिव मंदिर के प्रांगण में जलाया गया है और ये सभी दीपक एक साथ जल करके पूरे प्रांगण को प्रज्वलित कर रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारे मुबारकपुर की जनता और हमारे मुबारकपुर के सभी लोग जो है इस दीपों के माफिक जो है एक साथ मिल करके प्रज्वलित हो करके मुबारकपुर के नाम को रोशन करें और उसी के विकास में सहयोग दें। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चाइनीज सामान पर रोक लगाएं और मैं देखा हूँ कि यहाँ मंदिर के गेट पर ही झालर लटकी हुई थी और इस बारे में क्या कहना है आपका? इस बारे में सिर्फ ये कहना है, हमारे मतलब कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं मतलब कि अपने खुशी के लिए मतलब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये सभी जो झालर है वो चाइनीज ना होकर के बल्कि इंडियन है, इंडियन मेड इन इंडियन है। ये कैसे आप कह सकते हैं? ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे द्वारा खुद जो है कि यहाँ पे जो वर्कर है उनके द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।